इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप Realme मोबाइल फ़ोन में पावर बटन से कॉल कट को कैसे बंद कर सकते हैं, यानी कि कैसे ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने Realme मोबाइल फ़ोन में किसी से कॉल कर रहे होते हैं और जब आप अपने मोबाइल के पावर बटन पर क्लिक करते हैं तो अगर आपका कॉल कट जाता है, तो आप जो है कॉल कट के इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको चले जाना है अपने Realme मोबाइल फोन के सेटिंग में और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग का, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल का। तो फ्रेंड्स आपके फोन में यह सेटिंग इनेबल होगा, तभी जो है किसी से कॉल करते वक्त आपका जो है पावर बटन दबाने पर कॉल कट जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पर क्लिक करके सेटिंग को ऑफ कर देना है। उसके बाद अगर आप किसी से भी कॉल करेंगे और उस टाइम अगर आप अपने मोबाइल फोन के पावर बटन को दबाएंगे तो फिर आपका कॉल कट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप Realme मोबाइल फोन में पावर बटन से कॉल कट को बंद कर सकते हैं। अगर यहां पर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।